नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 11 सितंबर 2023 और दिन है सोमवार का, और मैं कीर्ति लेकर आई हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार। तो समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की सुर्खियों पर। बीच बाजार गाड़ी चोरी, रिटायर्ड फौजियों की बैठक। 18 सितंबर से गणेश उत्सव, सट्टा बाजार पर पुलिस की नजर, राशन कार्ड का KYC। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। आज कागज नगर इंदिरा मार्केट से दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की घटना सामने आई है। BRS पार्टी के नेता मोहम्मद हबीब की बाइक आज दोपहर 12:30 बजे करीब उनके घर के सामने से चोरी हो गई थी। इस पूरी घटना का वीडियो CCTV में दर्ज हुआ था। काली रंग की होंडा शाइन थी, जिसका नंबर AP01AF7338 था। काफी पड़ताल के बाद बाइक मालिक मोहम्मद हबीब ने बताया कि उनकी बाइक मिल गई है। सिरपुर टाउन पुलिस स्टेशन में इस बाइक को शिनाख्त के लिए रख दिया गया है। आज कागज नगर के शिशु मंदिर स्कूल में रिटायर्ड फौजियों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी फौजियों ने अपने कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा की। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं डॉक्टर श्रीनिवास और डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू ने अपने अपने अस्पताल किस्म और प्रजा लाइफ केयर हॉस्पिटल में रिटायर्ड फौजियों के परिवार जनों का इलाज आधे दाम पर करने की घोषणा की थी। उसी से संबंधित आज इस बैठक में इन सभी ने दोनों डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। आज बालाजी नगर के त्रिनेत्र शिवालय में भी एक बैठक हुई। इस बैठक में हिंदू उत्सव समिति के सभी सदस्य शामिल रहे। सभी ने पुरोहितों से चर्चा करने के बाद ये घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी उत्सव 18 सितंबर को शुरू होगा। पूरे 10 दिन चलने के बाद ये उत्सव 28 सितंबर को खत्म होगा। उत्सव से संबंधित पंडालों को मिलने वाली जानकारी को पुलिस विभाग से चर्चा करने के बाद बताया जाएगा। तो चलिए दर्शकों, अब देखते हैं कि आज समाचार पेपर में कागज नगर के बारे में क्या छापा गया था। कल कागज नगर के बस स्टैंड के पास मौजूद रिक्शा कॉलोनी में पुलिस ने छापा मारकर 7 जुआरियों को पकड़ा। इनके पास से 32,740 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि सट्टा और जुआ खेलने वालों को कागज नगर पुलिस पकड़ने का बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इसलिए दर्शकों, आपसे निवेदन है कि यदि आपको ऐसे कोई अवैध रूप से सट्टा खेलते हुए दिखाई दिया तो कृपया पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करें। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी और सबसे जरूरी खबर की ओर। आज की सबसे जरूरी खबर है राशन कार्ड से जुड़ी हुई। प्रशासन ने बताया कि ढेर सारे लोग अवैध रूप से राशन ले रहे हैं। अब राशन लेने के लिए अंगूठा लगाना पड़ेगा। सभी को अपने राशन कार्ड की KYC करवानी पड़ेगी। आपको राशन की दुकान में जाकर फिर से अपनी उंगलियों के छाप रिकॉर्ड्स करवाने होंगे। इससे बोकस राशन कार्ड धारकों का नाम मालूम पड़ जाएगा और उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे कल इसी समय कुछ खास समाचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।